अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज रात के 12 बजे और हमारे साथ उत्तर भारत की स्टार, मल्टी स्टार कहूंगा मैं, आरजू ढिल्लो। रात को 12 बजे अभिमन्यु मूवीज पे एकदम कैसे जुड़ गई भाई, खास बात होनी चाहिए। मैडम जी राम राम। राम राम जी सभी को। और सर ने एकदम से हमें पकड़ लिया रात को 12 बजे। मैडम जी रॉयल डिलाइट रिजोर्ट में रात नो इतनी ताम जाम ठाक के करना रहे हो जी। हम एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग शूट करने के लिए आए हैं। क्या नाम सॉन्ग का? खोड़िया। मतलब आज इस रॉयल डिलाइट रिसोर्ट में खोड़िया करने लग रहे हो? हाँ जी, आपको तो पता ही होगा कि हरियाणा में खोड़िया कितना जरूरी हुआ है और कितना मस्ती भरा हुआ है। लेकिन ये होता कब है, थोड़ा सा बताओ मेरे दर्शकों को। ये जब शादी हो, जैसे गुड़चड़ी हो जाती, गुड़चड़ी बोलते हैं उसको, बारात जब चली जाती है। बारात जब चली जाती है तो पीछे से जो औरतें करती हैं, मतलब नाचना गाना। हाँ, नाचना गाना, उसको खोड़िया बोलते हैं। तो आज आ रहा वो खोड़िया कर दिया। हाँ, इधर हमने बहुत एडी मार मार के खोड़िया किया है। मैडम जी मैं चाहूंगा एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना प्रॉपर परिचय दो, कौन हो, कहाँ से हो। वैसे राम राम सबने, सब दीपल हम तो, और आरजू ढिल्लो, हरियाणा रेवाड़ी से हूँ मैं। और ज्यादा बड़ा नाम तो नहीं है, स्ट्रगलर हूँ सर। ना स्ट्रगल तो ना, इतना बड़ा नाम हो रहा है वो सारे गाने में पाव है। यह बात तो सही है मेरे, सारे गाने में पाव है सर, वो आप ही बता सकते हैं। मैं तो अपनी तारीफ नहीं करूंगी अपने मुंह से, वो बोलते हैं ना कि अपनी तारीफ क्या करूँ, आप लोग और मेरे जो मतलब जो मेरे चाहने वाले हैं अगर वो मेरी तारीफ करे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा मैडम जी कितने साल से हो आप फिल्म इंडस्ट्रीज में, हरियाणा इंडस्ट्री? सर मेरे को 5 साल हो गए। पहला गाना कौन सा आया था? सर मेरा पहला गाना आया था फर्राटा। कितना फर्राटा था वो? सर वो इतना फर्राटा था कि मैं 5 साल से फर्राटेदार काम कर रही हूँ। अच्छा कैसे आ गया आप फिल्म इंडस्ट्रीज में, मतलब ये क्या तुक बनाया? बस तुक ऐसे ही बन गया, प्लस टू में हम ऐसे ही फोक किया करते थे, स्कूल में डांस जो हुआ है वो हम फोक कराया करते, और उसके बाद में बस एक चांस मिल गया मेरे को भी, फिर मैंने भी ट्राई कर लिया। चांस किसने दिया? मीता बरोदा ने। हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा नाम है मीता भाई, अपना खास मित्र भी है जी, आपने बताया। अच्छा, अच्छा। वो एक अच्छे इंसान भी है जी। उसके बाद मीते के साथ एक गाना करा फराटा, उसके बाद में मैंने उन्हीं के साथ किया सिला हरियाणवी, गार्ड के यो सूट लीला की चालियो सिला। उसने तो बस नो मान लो झंडे गाड़ दिए कि इस गाने ने तो सच में बहुत बजा था। हाँ। और आज भी बजा है। अच्छा रहा वो भी जी। तो आज जो यो खोड़िया तार दिया रॉयल डिलाइट रिजोर्ट में मदीना में आपने, ये किसके साथ है? ये हमने जो आज सॉन्ग किया है जिसमें हमने पूरा खोड़िया धूम मचाई है, ये अपना न्यू सॉन्ग आवेगा दक्ष म्यूजिक पे, और इसके जो सिंगर हैं वो है राहुल पुट्ठी और ट्विंकल योगी, और जिस जो इसके राइटर है जिसने इतना प्यारा अच्छा जो हमारी हरियाणवी संस्कृति के ऊपर पिरो के लिखा है, सिसरवाला, सॉरी सिसरवाला जी ने अच्छा लिखा है। और आप जब आए तब देख लेना, यहाँ पे जो बंदा आता है ना उसको यही फील होता है, और फील करवाते हैं घर जैसा फील करवाते। अच्छा जैसे ना फ्यूचर में जब आपको कोई पूछने लग जाओ आपसे कि भाई कित गाना शूट करना चाहिए लोकेशन, और आपकी राय ले ले तो क्या आप मतलब डेढ़ दिन नाम ले दो रॉयल डिलाइट? बिल्कुल रॉयल डिलाइट पे आए, घर वाली फीलिंग ले, और बिल्कुल फैमिलियर है। मैंने भी बोला ना मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसकी ओनर ही हूँ। और बिल्कुल पास भी है और सब फैसिलिटी है, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा। पराड़े के मालिक बढ़िया बढ़िया, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं रखते है ना? नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं रखते तो सर घर जैसा कैसे फील होता जी। अच्छा दक्ष म्यूजिक कंपनी के साथ कितने दिन से जुड़े हो? दक्ष म्यूजिक में मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, उनके बारे में बहुत सुना था, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुना था। बढ़िया कौन है? पार्टी पार्टी जींस, उनका ही तो सॉन्ग है। ओहो। तो मैडम जी आज जैसे कुलबीर भाई है, सोमवीर भाई है, दक्ष म्यूजिक कंपनी चलाई है, कत्ती जमीन से जुड़े हुए अपने भाई हैं छोटे, तो उनकी कंपनी के साथ आज जुड़ के आपने स्वाद आया कुछ काम करने में? सर बहुत अच्छा लगा, सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छा लगा उनके साथ काम करके, और दूसरा मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम सूट पे आए हुए, बिल्कुल नहीं लग रहा। अच्छा मतलब कती फैमिली वाले जैसा, मतलब हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल जब मजा आ गया, बिल्कुल फैमिलियर फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जमा मजा आ गया सूट करके खोड़िया करके।
जब कोई आपसे संपर्क कर रहा है किसी सॉन्ग के लिए, कोई कंपनी आला या कोई भी एक गाना करना है, आरजू से के साथ लेके मूड लेके मुझे एक गाना बनाना है, तो जो मनी भाई है ना उससे का रोला है, वो कैसे डिसाइड होता है कितने रुपये लूंगी, बड़ी कंपनी है, नया कलाकार, नया बंदा आया है, या पैसे से मतलब है गाना किसाए हो, कैसे? सर देखो, पैसा अच्छा तो सबको ही लगता है, आपको भी मेरे को भी सबको ही, पर ऐसा कोई मतलब नहीं बनता कि पैसे के लिए ही काम करती हूँ मैं। काम भी अच्छा होना चाहिए और जो थीम बनाई है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और ये नहीं है कि कोई भी बंदा आए और पैसे का रोब दिखा के हमसे शूट करवा ले। मना कर देते? बिल्कुल, किया भी है बहुत सारा। मैं शॉर्ट्स बहुत कम पहनती हूँ, और मैंने बहुत सारे ऐसे गाने हैं, सॉन्ग हैं हरियाणा के जो मैंने छोड़े हैं कि मैंने ये बोल के कि मैं शॉर्ट्स नहीं पहन। क्लियर कट मना, बिल्कुल। वैसे ट्रेंड चल रहा है, नहीं अच्छा है ट्रेंड, फिट होने के लिए लोग शॉर्ट्स डाल रहे हैं, कितने शॉर्ट्स डाल रहे हैं उसका कोड नहीं देख लो तो। नहीं वो नहीं डाल लो, वो तो अच्छा होता है, पर मैं नहीं डालती, थोड़ा सा हो जाता है, मतलब कंफर्ट महसूस नहीं होता। हाँ कंफर्ट नहीं, वैसे घर पे डालती हूँ, मतलब ट्रेवल करती हूँ तब भी डाल लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सॉन्ग में नहीं डालती। अच्छा मैडम, मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊंगा कैमरामैन साथी। मैडम जी शादी होगी? नहीं। तो कब करने वाले? सर शादी का अभी सोचा नहीं है, मतलब और ऊंचा स्टार बनना है बाद में। सर अभी तो शुरुआत ही लगती है मेरे को, अब 5 साल हो गए, इतने गाने हो गए होंगे दुनिया भर के, अब शुरुआत ही रही रहोगी मैडम, सारा पूरा उत्तर भारत तो जाना है आपने। नहीं अब मतलब और कुछ भी बहुत सब बहुत कुछ करना है। अच्छा मैडम जी, हरियाणा में कोई ऐसा कलाकार या कोई ऐसा राइटर या कोई ऐसी कंपनी बच रही है जो अंदर टीस है मुझे इसके साथ काम करना है? नहीं, ऐसी कोई टीस नहीं है कि किसी बंदे के साथ मेरे को काम करना है। मैं एक अजय हुड्डा सर की बहुत बड़ी फैन थी, मतलब इस लाइन में आने का एक बड़ा रीजन वो भी रहे हैं मेरा, और उनके साथ काम करना मेरा मतलब सपना, ड्रीम लगा लो, जो कि मैंने पूरा कर लिया है। उनके साथ मैंने 5 सॉन्ग भी कर लिए हैं, और किसी के साथ काम करने का कोई वो नहीं है। ये भी नहीं है कि मेरे को बॉलीवुड में जाना है, नहीं, मैं ज़्यादातर हरियाणवी ही सॉन्ग करती हूँ, डांस भी फोक रखती हूँ, और मतलब कपड़े जो पहनती हूँ वो भी मतलब पूरा फील हरियाणवी देती हूँ। ये नहीं कि मेरे को बॉलीवुड का स्टार बनना है, बॉलीवुड में जाना है, बिल्कुल नहीं। वैसे मौका मिलते है चुको दुखो ना? नहीं ये तो नहीं कहूँगी, चुकता तो कोई भी नहीं, पर ये भी नहीं कि मैं कोशिश ही कर रही हूँ। मेरा ये है कि अगर मैं हिट हूँ तो हरियाणवी सॉन्ग से ही और ऊपर तक जाऊँ, बिग बॉस में जाने का मौका मिल जाएगा, वो भी मेरा एक सपना है, जरूर जाऊंगी और कोशिश कर रही हूँ कुछ ऐसा करूं जिससे वहां पहुंचने का रास्ता मिले। मुझे आपकी फीलिंग मालूम थी। थैंक यू सर। और भाई इतनी बढ़िया कलाकार है आरजू, मुझे लगता है इसके सारे ड्रीम कंटिन्यू पूरे होते जाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम जी गाने का प्रमोशन है, और वो गाना नहीं सुनया तो मजा कैसा, और आपने तो दे तोड़ के भगा दी। जी प्लीज। चलो सर दो लाइनें, टूटी फूटी अच्छी सिंगर नहीं हूँ, सुना देती हूँ। ओ मेरे देवर का ब्याह करूँ खोड़िया का सूत, मेरे देवर कहाँ ब्याह करूँ खोड़िया का सूत, सारे गांव में सरू का नाचे बहू का सूत, ऐसा कुछ है। नाचे बोड़िया का सूत ऐसा कुछ, मेरे भी याद हो गया सुन सुन के, लेकिन बहुत माइंड ब्लोइंग जबरदस्त हरियाणवी सॉन्ग अपना दक्ष म्यूजिक पे आने वाला है, जिसमें आरजू मैडम है, और भाई कौन आपके साथ दूसरा स्टार बता दो ना हमारे दर्शकों को? भारत सिंधु। भारत सिंधु, हाँ भारत सिंधु, हाँ। तो मैडम जी आर पार होने वाला है? हाँ सर, पूरी कोशिश है आर पार करने की। जी मैडम जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जब हम कोई भी काम करते हैं आपके क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते, जब आप जब हाँ। भी हम कोई सॉन्ग करते हैं, आप जब सोचते हो तो मन में आता है यार ये सॉन्ग ना माइंड ब्लोइंग सुपर हिट होना है। जो खोड़िया सॉन्ग है, जब मैंने सुना, सर ने मेरे पास ऑडियो सेंड किया, तो मैंने तभी गजब लिखा था सर, और इस पे मैं पूरी मेहनत करने वाली हूँ। ऐसा हुआ कभी कि ये हिट है, पक्का हिट है, वो ना चल रहा है और जिस पर कम मेहनत करी हो वो? देखो सर अच्छी चीजें चल तो जाती हैं, आपको पता है, उसमें मेहनत करो ना करो, अगर पब्लिक पसंद करेगी तो वो तो चल जाएगा, निकलेगा, दौड़ेगा। पर कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर एवरेज भी है ना, तो हम उनको सुपर हिट नहीं कह सकते, पर हिट कर सकते हैं जी। तो अपना ये गाना हिट तो है ही है, अब सुपर हिट हम कर देंगे फिर, कोई बात नहीं। आराम आड़ रात ने 12 बजे के करना रहे, हां हिट करना रहे मैडम जी, हिट करके मानेंगे। हां बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मैडम जी पहले भी इंटरव्यू हुआ? नहीं सर, आज मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है,
और आज से पहले मैंने कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। मुझे लगता है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जो मेरे को इंटरव्यू देने चाहिए ऐसा कुछ। जी ना, काम पे तेरा कर रखा है भाई, सुपर डुपर हिट कर रखा है। मैंने कहूं मैडम का पहला इंटरव्यू है तो ये भी हिट होना चाहिए। बिल्कुल। जी तो मैडम जी थैंक यू, काफी अच्छा लगे आपसे मिलकर, और आप रोज एक स्टेप चढ़न लाग रहे हो ऊपर ने। मैंने कहूँ आप कति आसमान छो और बहुत बड़ी स्टार बनो, और जो आपके सपने नहीं है ना वो भी हो जाएंगे पूरे। थैंक यू सर आपका, थैंक यू बोले बाबा, और थैंक यू पब्लिक आप सबका भी, थैंक यू जी। तो भाई आपने इंटरव्यू किसा लग गया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और यो चुलबुला सा चेहरा यो किसा लग गया है यो भी बताना। और भाई देखो हरियाणवी लैंग्वेज है, जब कोई अपने घर में ना जैसे माँ का किताई हम गणे नाचे कूदे क्यों माच रहा है, क्या है जी? हाँ आज मैं पूरी माच रही हूँ, सुबह से लेके अब तक माच ही रही हूँ, अब 2 घंटे और माचूंगी। ओके जी, राम राम जी। सारे भैया ने वीडियो को शेयर कर दो भाई, और तबा का शेयर कर दो, क्योंकि मैडम का पहला इंटरव्यू तो हिट जरूर करना है। सारे भैया ने राम राम, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते, थैंक यू वेरी मच।